प्यारी संगत, अभी सत्संग की बात करते। सत्संग, सत्संग है क्या? सत्संगति मदि मंगल मूला, एक रामायण की चौपाई है कि सत्संग ही मूल है। सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फिर सब साधन फूला। सिद्धि वही है, और साधन जितना भी है, सुबह सुबह पानी करना, तब प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, दीवाबत्ती करना, ये साधन जितने भी, योग साधन करना, ध्यान लगाना, ये सब के सब फल फूल हैं। कहते सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सभी सुलभ सब दिन सब देशा, यानी ये नहीं होता कि आज इतवार है, आज बुधवार है, आज मंगल है, ठीक नहीं है, आज तो शनिवार है, ये कोई आंट की नहीं लगती इसके। सभी सुलभ, सबको सुलभ है, और सब दिन कोई रुकावट नहीं है सत्संग के लिए, और सब देशा सभी देशों के, चाहे किसी में इधर करो, अमरीका में करो, अफ्रीका में करो, यूरोप करो, कहे वो एक चीज़ है। अब कहते हैं, अब सत्संग है क्या? सेवत सादर सुमन कलेसा, सम्मान के साथ सत्संग को सुना जाए। सेवत सादर, सम्मान से बैठ करके, क्यों परमात्मा की चर्चा हो रही है, सम्मान से सुना जाए। ये कोई आर्गूमेंट वगैरह या वैसी चीज़ नहीं है, कोई बुद्धि लड़ाने की बात नहीं है, वाद विवाद नहीं है। सेवत सादर, क्योंकि सम्मान से हम सुनेंगे तब वो सुना जाता है, तो काम ही श्रद्धा विश्वास का है। तो सेवत सादर सुमन कलेश, हाँ कोई शंका होती है तो बाद में पूछा जा सकता है। अभी जो मैं आपको सत्संग देने के लिए आया हूँ, वो पहली भी बात क्यों यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। इस गाँव में तो कई सत्संग दिए मैंने, और बाकी इधर गाँव भागलपुर में बहुत सत्संग दिए हैं, दिल्ली में बहुत सत्संग, सब गाँव में सत्संग दिए मैंने। तो सत्संग बात क्या है, सत्य क्या है? बड़ी बात तो ये है, वो सत्य क्या है जिसके बारे में चर्चा करते हैं? तो लोग कहते हैं राम है, वो है कहाँ? वो राम जो है, अब कोई तो बताता मंदिर में, मंदिर का पुजारी है, मंदिर का विश्वासी है, राम की मूर्ति उसको मानता है, कोई कृष्ण की मानता है, कोई देवी की मानता है, कोई मोहम्मदन है तो वो मस्जिद में मानता है, कृष्ण है तो गिरजाघर में मानता है, और कोई कहता ना वो ऊपर रहता है, कोई कहता है तीर्थों में रहता है। हम लगाते हैं कि नहीं चक्कर है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, और वो है कहाँ पर? इस चीज़ का जो रिसर्च या अनुभव जो मैंने किया, वो खुले शब्दों में बात करता हूँ। मैंने ये वो अनुभव कर लिया कि वो तो मनुष्य के अंदर है, वो परमात्मा अगर कहीं यहाँ पर है इस लोक में, तो वो मनुष्य के अंदर है, हर एक मनुष्य में। कौन से मनुष्य में? आप में। सब बेटी बैठे हैं, सब भाई बैठे हैं, आपके अंदर वही तत्व है। संतो एक आप जग माही, एक राजस्थानी कहावत है, संतो एक आप जग माही, दूजा कर्म ब्रह्म कृतम जून दर्पण की छाई, दूसरा कर्म ब्रह्म। तो वो परमात्मा कहाँ बताया? आपके अंदर। जो मेरा अनुभव हो सकता है वो गलत हो, मैंने लिख के दिया, इधर किताब आई है आपके पास, सब महात्माओं के पास, सब यूनिवर्सिटियों में, सब देशों में, इंटरनेट पर सब जगह चल रही है किताब, और उसमें यही प्रार्थना करिए कि अगर मैं बैक गया हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो कृपा करिए मेरा सुधार कर दो। मैं ये सब समझाऊँ, मैं ये समझाऊँ कि वो मनुष्य के अंदर है, और इसमें ज़बरदस्त सिद्धि है, जो परमात्मा की शक्ति है वो आप सब में है। अब कैसे? आपका विचार करते हैं ना, विचार करते हैं, मनु सोचते हैं कोई बात, आपके सोच में जैसे आप सोचोगे वैसे हो जाता है, पर वो मन ठहरता नहीं। अभी कुछ सोचा थोड़ी देर, कुछ सोचा थोड़ी देर, कुछ सोचा, बंदी होता रहता है। तो सिद्धि आपके अंदर है, और परमात्मा को देखना तो बोले मेरे अंदर, वही आपके अंदर है, वही सब कुछ, आप समझे ना। अब ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन लोग जो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये जो ज्ञान देता हूँ, सब पढ़े लिखे आदमी, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जो कुछ बुद्धिमान है, और उनमें जो विश्वासी, वो मेरी किताब ही पढ़ते, वो मेरी इंटरनेट देखते, इंटरनेट पर वो पूरे आसमान के अंदर, यूट्यूब के अंदर लगा दो कैप्टन लाल चंद जी, तो मेरे सैकड़ी सत्संग आ जाएंगे, आप रोज़ाना देखो। नहीं नहीं, घर बैठे लोग देखते हैं, इधर देखते हैं, अमरीका अफ्रीका वगैरह देखते हैं, जो विश्वासी हैं वो फिर मुझे बातचीत करते हैं, कंटेक्ट करके, कि आपने ऐसे ऐसे कहा, इसमें हम भी कोई शंका है, पर शंका तो कोई नहीं, दर्शन करना चाहते हैं। भाई दर्शन का क्या बोल, तो आदमी से हूँ नहीं, बोला नहीं जी दर्शन में हो यार, तेरे इधर बैठाने के लिए जगह नहीं मेरे पास। और दूसरी बात है, आप क्या जिमते हो, जिमाने के लिए आपका जिमन नहीं है, पता नहीं कैसे खाना खाते हो, गाँव का आदमी हो, गाँव में हो तो पूछना मेरे को, यहीं पर पूछ लो, मैं यहाँ टेलीफोन पर आपको बता दे, तो मोबाइल पर बता दूँगा, आई समझे ना मेरी बात। और जगह जगह मेरा स्वरूप प्रकट होता है, क्या जो विश्वास कर लेते हैं, मैं तो कोई चेला तो बनाया ही नहीं, आश्रम ही नहीं है,
जो जो बेटी को भाई विश्वास करते हैं वो कहते हैं आप आगे आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने मेरा ये कर दिया। जब मेरे बाप को पता नहीं, मेरे बाप को पता नहीं कि किसके अंदर कौन ध्यान कर रहा है, किसके अंदर क्या मिला। जगह जगह एक गांव की बात नहीं है, हाजिर हैं अभी आदमी, यानी कि एक दो आदमी है हाजिर हैं। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर वो हाजिर मिलते हैं, एक कहीं दो हैं, कहीं पाँच से सात, कहीं जिनमें मेरा रूप प्रकट होता है और उनका काम होता है, और ये मेरे को पता नहीं। तो कारण क्या है कि वो शक्ति तो उस आदमी में है जो विश्वास करता उसमें है। आज मेरे कहने से हो जाता है काम तो साथ मेरे मुँह से वही बात निकल जाती है। क्यों? मेरा मन साफ है, हेराफेरी कोई है नहीं, न किसी को पैसे लेना, न किसी को चेला बनाना है। कोई आता कोई बात कर मेरे मुँह से निकल जाती है ऐसा है। वो कहता आपने तो मेरे मन की बात बता दी, मैं किसके मन की जानूँ। तो ये क्या है, ये अभी आपके साइंस जो है विज्ञान साबित करता है हर आदमी में से धार निकलती है विचारों की, विचारों इसको रेडिएशन कहते हैं, विचार की धार निकलती है। और वो धार जो निकलती है विचार की वो टच करती है जान जाती है। तो फिर वो आप क्या जो आए तो जिस आदमी की कड़ी बात है कोई चीज़ से दुखी है वो आता है मेरे पास और वो जो उसको दुख है वही बात बता देता हूँ कि भाई तकलीफ़ ये है, कारण इसका इलाज ये। तो अब दुख क्या है, मैं अब रोज़ ये बताने की बात नहीं, मैं तो आपको सत्य की बात बतानी थी। मैं तो आपको ये बताना चाहता था जैसे डॉक्टर कमला जी ने कहा कि वो सदा के लिए अमर हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ मनुष्य शरीर मिला तो आज को आपको अमरापुरी की बात बता देता, पर उसके लिए तैयार तो कोई है नहीं। अगर कोकटली बांध के आया है बीटा बांध के तो मेरे मुँह से वो निकल जानी चाहिए। तो ये क्या हम यहाँ दुखी हैं, इसको दुख का मतलब तकलीफ में। तो मैं वो तकलीफ बता देता हूँ थोड़े तरीके से, समझ ले रहे ध्यान से। आपके विचार में शक्ति है ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त क्या कि जिस विचार को लेकर आप सोचोगे वही चीज़ हो जाती है। आप सोचते रहते, जैसे आप घरों की बात देते हैं, घटिया बात देते हैं, क्या घर के अंदर सास बहू हैं, पति पत्नी हैं, दोनों बैठे हैं, पति ने कोई कड़ी बात कह दी कि तेरा भाई ऐसे था, तेरी मासी थी, और उसको गुस्सा आया कि मेरी मासी थी, इसने मेरे को यह कहा। वो मन ही मन में कुड़ गई कि इसने मेरे को यह कहा, या तो मेरे बदला मारते हैं आजकल कि तेरी माँ मेरी माँ क्यों, तेरी थी ये थी वो थी, बदरी उदरी कह देते हैं, एक पर दो तीन चार लगा देते हैं, पर नहीं कहते हैं तो थोड़ा शर्म रखते हैं। वो मन ही मन में कुड़ते हैं, वो कुड़ते हैं, वो विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चला जाता है, किसी खास लाइट से टकरा करके उचित समय पर जब वो वापस आता है, जो ईर्षा द्वेष नफरत का गुस्से का विचार था, तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी। कैसे? आप कोई कार ले आए हो अभी 15 लाख रुपए में या 12 लाख रुपए में, अचानक एक्सीडेंट हुआ, कार टूट गई, आप दुखी हो जाओगे ना, टूटने के लिए तो नहीं रहे थे आप। या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा घर में, या कोई आपका सामान चोरी कर लेगा, या कुछ है तो कोई आपको तकलीफ हो जाएगी बीमारी, तो इस डॉक्टर के पास जाओगे, उस डॉक्टर के पास जाओगे, उस डॉक्टर के पास जाओगे, वो पता नहीं चलता डॉक्टर को, और वो रोग रहता है। मतलब कहने का एक कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके मन के प्रतिकूल है। किस विचार से? गुस्से से जो आप सोचोगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत। और ये रोज़ का काम अपने घरों का, क्यों? मैं घर का आदमी हूँ ना, मैं कोई महात्मा तो हूँ नहीं, मैं तो घरेलू आदमी हूँ, आपको आप मेरे घर के आदमी हैं। घरों के अंदर सास ने कुछ बात खड़ी कह दी और वो कुटती है, भूख काम तो करती जाती है, बोली इसके ये करा, इसने मेरे को ये कहा, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, ऐसे था ऐसे था, वो जो मन ही मन सोचती है वो विचार ऊपर चले जाती है गुस्से से, और वो विचार जो घर में आएंगे तो दुख लेंगे। और सास को कोई गुस्सा आ गया, बहू को आ गया, तो बहू सोचती है सास को आ गया, सास को, और पति को कुछ बात कह दी कि आपकी माँ भी ऐसी थी, तो जाए तो कहाँ बेचारा जाए, रोटी खानी है, पर वो कुड़ेगा उधर, कमज़ोर है मेरी तरह कुड़ेगा, मन ही मन में देखो इसने मेरा माँ को नाम दिया, मेरी माँ ऐसी थोड़ी थी, वो कुटता रहता है, विचार ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड। और वो विचार जब आएंगे यहाँ पर तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगे, दुख होगा आपको। प्रतिकूल घटना घटने से दुख होता है, और अनुकूल हो जाए तो सुख होता है। सुख का मतलब आपके मन की बात पूरी होगी तो आप खुश हैं बिल्कुल, और दुख ये कि जो आपके मन चाहते हो और वह चीज़ नहीं होना तो आपको दुख लगता है। तो दुख सुख है क्या? यह अपने विचारों का फल है, हमारे विचारों का फल है, जो कड़े विचार होते हैं हमारे ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा के गुस्से के, वो विचार तो लेके आएंगे जो हमारे मन के प्रतिकूल घटना घटेगी दुख, जिससे दुख होगा हमको। और जो हमारे अच्छे विचार हैं प्रेम के, सेवा के, क्या कहते हैं सहायता के, क्षमा के, अच्छे मीठे विचार होते हैं, वो विचार दे के आएंगे सुख, कि आपके मन का अनुकूल घटना घटेगी, आप खुश होगे। ठीक, किसी का बेटा पढ़ गया, किसी का बेटा अफसर बन गया, किसी का कोई नौकरी लगी, किसी बिजनेसमैन का खूब फायदा हो गया, ये बात है। तो आपके दुख किस बात का है? हमारे घटिया विचारों का फल है, और हमें इसका ज्ञान नहीं। मनुष्य को, आपको नहीं, मेरे को नहीं, सब मनुष्य मात्र, क्या राष्ट्रपति,
क्या पढ़े लिखे आदमी, क्या जज, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, सबका ये तकलीफ है। जब उनको गुस्सा आता है तो वो या तो घराड़ी से लेते रहते हैं या नौकर को भी ऐसे उल्टा पुटा लेते हैं नीचे, या जूनियर को फूट बात कहते हैं, उनके दिल को ठोकर लगती है, उनके दिल को ठोकर लगती है और वो कूदते हैं, वो विचार ऊपर जाते हैं, तकलीफ लेके आते हैं। तो घटिया विचार गुस्से से सोचते हैं वह दुख लेके आते हैं, और जो अच्छे सोचते हैं वो सुख लेके आते हैं। यह मेरी बात अगर पूरा गाँव नीरवाड़ा वाले सारे पूरे सुन लें, सब क्या लागू है, अगर कोई घर बाकी नहीं है, इसके बीमार सब हैं और इसका ज्ञान है नहीं किसी को कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, गुस्से उठफुटांग कहते हैं, अगला दिल दुखा देते हैं और दूध का कुड़ता, वो बुरा विचार ऊपर जाते हैं और तकलीफ लेके आते हैं। आई समझ बात? जब मैं दिल्ली में सत्य कराता हूँ, पूरी दिल्ली सुन ले, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सारे सुनने मेरी यह बात ठीक, क्यों कि यह बात ऐसी मैं देखता हूँ, हर घर के अंदर तकलीफ है, कुछ न कुछ हर एक आदमी की तकलीफ है, और तकलीफ का कारण ये है। ये बात बताई है पहले महात्माओं ने, ऐसे नहीं प्रभु ऐसे नहीं बताई जैसे मैं बताऊँ, क्यों महात्मा अलग थे, वो अब सत्य थे, जानने वालों को बताऊँ, अरे को नहीं बताऊँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों हिंदू मास्टली ये सब जानते हैं, तो एक रामायण की चौपाई है, कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में सुमति है, सुंदर विचार हैं, सब मुस्कराते रहते हैं, खुश हैं सब, रजी एक दूसरे को देखते हैं, खुशी होते हैं। तो कहते हैं अब जहाँ सुमति, जिस घर में ऐसा संपत्ति है, उसमें संपत्ति नाना, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान हाट वेली सब कुछ होगा, कोई कमी रहेगी, सोचेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना, जिस घर में रुसामनी है, नाराजी है, मनमोटाव है, उस घर के अंदर विपत्ति एक आप मुसीबत 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 या होगी या होगी। और आप ये कहते हो हमने तो इस जिले में तो कुछ कराया को नहीं भाई, काम तो बात ये पता नहीं क्यों हमारी ये तकलीफ हो रही है हमारे, हमने तो अच्छा अच्छा काम कराया, किसी बुरा को नहीं कराया, अरे ज्ञान है नहीं। तो ये बेटी और भाइयों पहले भी कही है महात्मा ने, पढ़िए सैन्य में कही है, तो महात्मा ही समझ सकते थे। अब ये कलयुग का समय है, तो कलयुग में जहाँ बुराई है वहाँ पर भलाई है, कि अगर आप चाहो तो इसी ज़िंदगी में मुक्त हो सकते हो, जीवते मुक्त। कबीर साहब ने कहा जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता हो, देश संग जो हुए न मुक्ता मुए मुक्ति की आशा हो, तीर्थवासी हुए न मुक्ता मुक्ति न धरनी सोई हो, जीवित भ्रम की फांस न काटी मुए मुक्ति कहाँ होई हो। तो वो कबीर साहब का लंबा शब्द है, मैं शब्द नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई शब्द तो जानता नहीं, न मैं कोई कविता बनाता हूँ, उनका सहारा दे के बता रहा हूँ कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि जीवते मुक्ति का अनुभव कर लो, तो मनुष्य कर सकता वो, आप कौन मनुष्य, आप ईश्वर अंश हो, आपके अंदर जो बोलने वाला तत्व वो ईश्वर है, और जानना है तो उसी को जान लो, तो वो जानने वाली बात तो पूछने को आए को नहीं, इसलिए मैं वो सत्संग नहीं दे रहा हूँ, मैं वो ही देना चाहता था आपको कि रोज का काम है मेरा, देखता रहता हूँ इसको, अनुभव है मेरा बहुत साधु से, वो पूछने के लिए नहीं आए। तो आपके दुख वाली बात ज़्यादा है, हर घर में ये बीमारी है, नाराजगी है, मनमोटाव है, ये है वो है, और उसके लिए परेशानी परेशानी, बुरा सोचते हैं, बुरा होता है, जैसे सोचते हैं किसान जैसे खेत में दाना डालता है ना, अगर मकई डाले तो मकई और गेहूँ डाला तो गेहूँ, रीख डाले तो रीख, तो सारा दिन सुबह से शाम तक एक विचार आया चला गया, एक विचार आया चला गया, एक विचार आया ठहर गया, अच्छा उसने ये कहता उसका ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, वो विचार ऊपर जाता है, और गुस्से से सोचोगे वो तो दुख लेके आएगा, अच्छा सोचोगे सुख लेके आएगा। रामायण में इसका हवाला दिया ये बताया, पर वो उनके लिए था, जानने वालों को आप नहीं समझ सकते थे, तो मैं इसलिए आया हूँ आपका घर का आदमी बताने के लिए आपको आया हूँ, वो सच्चाई सच्चाई की सच्चाई आप में है, और रिद्धि सिद्धि का भंडारा आप हो, आपके विचारों में शक्ति है, अगर सुंदर विचार रखोगे तो दुनिया सुंदर बन जाएगी, अच्छी अच्छा घटिया रखोगे घटिया हो जाएगी। कहते हैं जो सो सो सड्यूरी, अंग्रेजी में कहते हैं जैसे बोगे वैसे काटोगे, तो हम बोते तो रहते हैं कांटे और चाहते हैं हम आम, कबीर साहब ने इसको इतने में कह दिया, बोए पेड़ बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, निसार कह दिया, दिया तो दुख दौड़ूंगो, सास को बहू को भाई को दवाई को सबको दुख दिया, पड़ोसी को, और चाहते हो सुख सुख कहाँ से मिलेगा, दुख दिया तो दुख ले लो भाई, गिवन टेक का सिद्धांत ही साथ से दो और इसे ले लो, जो हम देंगे वो भी मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, अब किसको देते हो वो देख लो, जिसको जिसके साथ रहते हैं सुख दोगे सुख मिल जाएगा। तो बात ये है गिवन टेक का सिद्धांत है, जो हम देते हैं हमको देते हैं उसका तो पता नहीं, और जब आता तो हम दुखी होते हैं, जब दुख आता है तो दुख कहाँ है, कोई नाम ही नहीं दुख की चीज़ है, आप ईश्वरंश हैं, आप ईश्वरंश हैं, ईश्वर ये गुण है आप में, ईश्वर भी पैदा करता दुनिया आप भी पैदा करते हो, ईश्वर भी पालन पोषण करता आप भी पालन पोषण करते हो, ईश्वर भी संहार करते आप भी संहार कर देते हो, तो आप वो जो विचार करते हो ना वो आपके विचारों का फल है। आप अब जैसा इनका विचार था अब ऐसे घर बन गया, जैसे जिसने विचार करा वैसे ही बन जाएगा उसका, जैसे जिसके विचार है वैसे उसकी संतान है, यानी जैसे हम हैं वैसे, तो विचारों को ठीक करना लो, छोटा सा नुक्ता है,
इस बात का छोटा सा इलाज है इस तकलीफ का, हमेशा ऑलवेज है पॉजिटिव थिंकिंग, शिव संकल्प मस्तु, ऐ मनुष्य सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। नाराजी का नाम ही नहीं, निकाल दो उसको नाराजी को, गुस्से को। रूसने का व्रत कर लो बेटी, आगे समझती हो तो आज से व्रत कर लो, मैं रूसूंगी नहीं। सास ने चार बात की, माता जी एक दो और कह लो, आपका जी सोरा हो जाए। अरे बहू ने कह दिया बेटा तू और कह दे मेरे को, अच्छा रहे, समझेगी ना बात। इस तरह से जियोगा फिर वो कहना बंद हो जाएगा, एक दूसरे देख के जियो। और इसी तरह आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान करो, तो हम चाहते देते तो दुख और चाहते हैं सुख। कबीर ने कहा ना, बोए पेड़ बबूड़ के तो आम कहाँ से खा। हम अपने बुजुर्गों को दुख देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बेटे हमारे आरती उतारेंगे। अजी हम अपने बाप की बात को नहीं मानना, अच्छी तरह इज्जत नहीं करते माँ बाप की, तो पहले गुरु कौन है? गुरु का नाम ज्ञान है, तो पहला ज्ञान कौन देता है दुनिया में रहने के लिए? माँ बाप, गुरु माता, गुरु पिता। तो माता पिता को जो सम्मान नहीं करता वो हवा खाओ, आपको सम्मान आपकी औलाद नहीं करेगी। जो बेटी जो बहू है सास का सम्मान नहीं करती, चरण स्पर्श नहीं करती, सम्मान नहीं करती, तो उसकी बहू सम्मान नहीं करेंगे। मैंने बताया नहीं, ये हिसाब है गिव एंड टेक, दो और दो, जो देते हैं तो हम दुख चाहते हैं सुख। आई क्या समझ बात? तो दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, न मेरा कोई अनुभव दुख आया है। तो क्या मैं गुफा में रहा हूँ या मंदिर में टाली लड़ना? ना, मैं तो भीड़ का आदमी हूँ, युद्ध का आदमी हूँ। युद्ध में गया 1940 का, वो युद्ध था ना 1945 ब्रह्मा में रहा, उसमें फरीदपुर राजस्थान राइफल के अंदर, फिर नदी बहुत इरावदी उसके पड़ी तरफ, और वहाँ पर रहा और युद्धों के अंदर था। और सब युद्ध जितने 1971 तक जितने युद्ध हुए मैं आगे रहा, हमेशा बॉस का आदमी था मैं को ग्रुप का, क्योंकि मैं सिग्नल के अफसर था, सिग्नल जैसे होता था वो भी मैं रहता था, कोई अफसर तो था नहीं उस टाइम पर, तो सिग्नल्स का काम था कम्युनिकेशन मिलाप रखने का। तो युद्ध में रहा हूँ और पूरी नौकरी फौज की करी है, और अब जो काम करता आया हूँ मैं, अभी मैं अगर घर आया तो मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो मैं थोड़े दिन काम कर जाती है, 20 साल एक कोचिंग सेंटर रखा कि आ जाओ अंग्रेजी मेरे सीख लो भाई, आपको नहीं आती है तो, क्योंकि मैं व्याकरण पढ़ता रहता था तो इंग्लिश का व्याकरण मेरे को उंगलियाँ पर था ऐसे, सबका सब वहाँ का स्पेलिंग सब चीज़ वो होता था मेरे को। तो बात यह है कि मैं आपका घर का आदमी हूँ, घर वाले से बात जानता हूँ, और हर घर का घरे आदमी हूँ बताता हूँ, घर वाले की तरह मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। बेटियों कोई दुख नाम की चीज़ नहीं, आप अपने दिल को साफ कर दो, जो कुछ कर रहा है, कोई सुन लो बहू कुछ आंट कर रही है तो इसका एक अलग सत्संग है, वो ये कहे लोग किस चीज़ का है आपको समझ आ जाएगी, अलग 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 सत्संग है। आज मैं सत्संग दे रहा हूँ कि दुख क्या है, दुख है हमारे घटिया विचारों का फल, जो गुस्से से ईर्ष्या द्वेष से हम जो बुरा चाहते हैं वो दुख होगा, चाहे किसी का चाहो, सास का चाहो, बहू का चाहो, पति का चाहो, पत्नी का चाहो, पड़ोसी का चाहो। तो सदा के लिए अगर सुखी रहना है तो अपनी तरफ से किसी को बुरा मत समझो, क्यों ईश्वर ने सब में बता दिया ना आपको, सब में ईश्वर है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूँ वो, ऐसी दृष्टि है। अगर आप जीते मुक्ति प्राप्त कर लो तो आप जब देखोगे तो सबको नजर वही नजर आएगा खेलता परमात्मा है। अगर चोर बाजादार है और आप उस मुक्त अवस्था में जी रहे हैं तो आप ये देखो कि चोर नहीं है परमात्मा, इस चोर का करा ड्रामा कर रहा, चोर का नाटक कर रहा, वो जा रहा वो जा रहा, और पीछे पुलिस वाला कहते हैं पकड़ लो पकड़ लो, तो आप कहते हैं ये परमात्मा इनमें भी वो पकड़ने का ड्रामा कर रहा, आप समझेगा नहीं, ये हम सब ड्रामा है, ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक साला, कोई ओढ़े सिर काला कमर कोई साल दुसाला, सुरत ने अद्भुत भेष बनाया नाते नात रसाला, ऐसे शब्द है। तो नाटक साला इसमें ड्रामा कर रहे हैं, कोई पति बन के आ रहा है, कोई पत्नी बन के आ रहा है, कोई बेटा बन के आ रहा है, कोई भाई बन के आ रहा है, कोई जवाई बन के आ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई घटिया कर रहा है, ये समझ में आपको आ जा। तो छोटा सा नुकता क्या है, हमेशा शिव सुंदर सुंदर सोचो, घटिया सोचो मत, दृष्टि खोलो तो समझो कोई आदमी बुरे, नफरत करो मत किससे, नफरत करोगे वो भी कर्म बन जाएगा और प्रेम करोगे वो भी कर्म बन जाएगा। तो मुक्त होना है तो दोनों को छोड़नी पड़ेगी, पर पहले हम जिंदगी में जिए, तो इस जिंदगी को जीने के लिए आप समझे परमात्मा की बगीचा है, इसमें हम जी रहे हैं, अच्छे बन के जियो, और घर में करते हो घर में शांति रखे, जी घर में शांति है कोई कमी नहीं। तो आज बात ये पहली बता दिया, प्रमाण दे दिया, एक वो स्वयं तुलसीदास जी का, दूसरा मेरे में खुद नमूना बैठे हूँ आपके सामने, घर का आदमी गृहस्थी आदमी हूँ, कोई कमी महसूस ही नहीं हुई अभी तक। 40 के अंदर फौज में चला गया राजस्थान राइफल में, और वहाँ से जाके वो जल्दी अधिकारी बन गया, और फिर वापस सूबेदार तक बनता था, सुधार तक बनया, बाकी अंग्रेज अफसर थे। फिर 1945 में इंडियन अफसर भी आने लगे, अपने भारतीय विपण में क्या आई, पहले अंग्रेज होते थे। तो मैं घर का आदमी हूँ, कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है, हमारे हमको अज्ञान है किस चीज़ का, क्या सोच रहे हैं इसका फल क्या होगा, तो हम किसी को दुख नहीं, किसको जो घर में रहते हैं किसी घर वाले को मैं दिया लूँ, आपकी रेंज घर की है, घर की उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है,
कहते सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस ऑफ द गॉड, जनता की सेवा जनार्दन की सेवा है, खड़कत की सेवा खाला की सेवा है। तो आप सबका तो कर नहीं सकते, अपने घर वालों की सेवा करो। आप सेवा करोगे खूब अच्छी प्यार से, जब ड्यूटी आप कर रहे हो बहू हो तो अच्छी बहू का ड्यूटी करो, सास हो तो अच्छी सास बन जाओ, हमेशा बहू को प्यार करो। और कोई बेटा कोई बात नहीं, जब कड़ी बात कह दे गुस्सा मत करो, आपकी लड़की कह दे तो आप गुस्सा क्यों नहीं करो, और बहू कह दे तो आप गुस्सा करो, बेचारी की उसकी आदत है, कोई बात नहीं, आप उसे प्यार करो वो ठीक है। और इसी तरह आप लोग, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें बताया बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, हम अदब सम्मान नहीं करते, सम्मान करना जानते नहीं। तो सुबह आप उठते हैं तो हमको चाहिए, आपने बड़े गुरु माता गुरु पिता बताया ना, कितने हो आप में से, हम जानता हूँ, टेस्ट को टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, कितने जो सुबह अपने बाप को चरण स्पर्श करते हैं और माँ को चरण स्पर्श करते हैं, दफ्तर में एक नौकरी में खेत में जाते हैं चरण स्पर्श के, माता जी आशीर्वाद दो मेरा ये काम हो जाए, माता जी आशीर्वाद दो मैं नौकरी लग जाए, माता जी आशीर्वाद दो मेरा ये काम हो जाए, या पिताजी मेरे को आशीर्वाद दो, कितने हैं जो उनसे सुबह चरण स्पर्श करते हैं, गुरु हैं वो। पहला गुरु वो है जो उनको अपनी माँ बाप से आशीर्वाद नहीं दे सकता, हजार महात्माओं को बैठा रहे पैर रगड़ता रहे खूब सेवा करता रहे कुछ नहीं मिलेगा उसको, जो पहला गुरु को नहीं खिला, गुरु ज्ञान सुन दिया ना, ये क्या है चाचा है, ये क्या ताऊ है, ये क्या है ये गाय है, ये तो माँ ने सिखाया, गड़ उल्टी कर दी अंदर टट्टी पेशाब भी कर दिया, इतना जो सेवा करी उसको अगर गुरु नहीं मानोगे तो मानोगे किसको, इंसान बनाया उन्हें। अब जब आप शाणी बनिए तो बहुत अच्छा, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन माँ बाप की सेवा का पता कैसे दे सकते हो, तो जो अगर उसको सम्मान नहीं करते तो सजनों हवा खाओ वो चीज़ आपको सुख नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक का सिद्धांत ही साथ से दे लो, इसको ऐसे उर्दू शायरी में कहा है बाद बा नसीब बेद बे नसीब, जो सम्मान करते हैं वो धनवान होते हैं, कोई कमी रहती उनके, और जो अपमान करते हैं वो निर्धन रहते हैं दुखी रहते हैं। तो आप सम्मान करो, कह लो कहाँ घर में चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है कि अपनी माँ बाप को चरण स्पर्श करो, तो कल से कर लेना, चलो कोई बात नहीं, गेल की गोड़ में थोड़ो गेल होगी तो कोई बात नहीं, गई बाप सार दे आगे शुद्ध ले, आगे शुद्ध क्या लेना, कल से उठ के अपनी सास को चरण स्पर्श करना, और जब बूढ़ी है तो शाम के टाइम पर 5-4 मिनट दबा दिया करो पैर, और कपड़े दिया करो सिर से अलवा दिया करो, वह आशीर्वाद का पुल बांध देगी, आपके घर में सब कुछ आता रहेगा, और आपकी बुआओं भी आपकी यही सेवा करेंगी, क्यों बताए साहब जो दोगे सो मिलेगा, आपने अगर सास की सेवा करी है तो बहू सेवा करेंगे, और जब भी जो करे नहीं करे हो तो आगे आने वाली बहू मारें भी गई, आजकल थोड़ी पढ़ा आधा धोरी मारेंगी साथ धक्का मार देंगी तो आप सम्मान करा करो, घर में करो, भाई घर में करो, फिर अपनी काकी ताई आ जाते हैं, पड़ोसन आ जाते हैं, और बेटियाँ तो बहू मड़कारी हैं, वो खूब माँ की सास की सेवा करो, सुबह उठ के चरण स्पर्श करो, सूसरे को चरण स्पर्श करो, जो जेठानी आ जाए उसके सम्मान करो, तो देखो कितना लगा था, अलदन बोल रूस जाती है तो आप मत रूसो, आप रूस जाने बोले ना तो आप बोलो, आप बुला लो उसको, बोल जो उल्टी बात कह सह लो, ये बोले क्यों को नहीं फिर, और सास रूस जाए बोले माता जी ये ठीक हो नहीं, आज कोई नाराजी है आपको, क्या तकलीफ बता दो मेरे, कोई गलती होगी मैं ठीक कर दूँगी, अरे यही आप कर दिया करो, अब भाई ये समझ बात, आप जी कितने भाई हैं जो सुबह के टाइम पर अपने बाप को चरण स्पर्श करते हैं, चुपड़े देखे हो आप, विद्वान हो सब काम करते हो, तो आप अंदर देख लो कि हम चाहते हैं वो चीज़ करते कुछ है नहीं, हम चाहते हैं रिजल्ट मिले देते हैं नहीं, गिव एंड टेक का सिद्धांत तो देंगे सो मिलेगा, तो घर में बाप से बड़ा कोई नहीं है, आप कितने बड़े अफसर बन गए हैं, तो आईएएस हैं आईपीएस हैं डॉक्टर इंजीनियर, क्यों मेरा उनसे ताल्लुक है सबसे, पढ़े लिखे आदमियों से ये बुक रखी हुई ने ये लिख के दे दिया उनको, वो देखते हैं देख के कहते कैप्टन साहब बात तो ठीक है आप ठीक है ये बात मिलती, बहुत लोग कन्फर्म करें इसको, कौन जिनकी आस्था है धर्म पर, वो जिसकी आस्था नहीं उसके लिए कोई बात नहीं। तो आपको मैंने आज ये बताया है कि सम्मान करना सीखो घर के अंदर, घर में प्यार है, और गांव में बसे तो सब गांव के भाई हैं, सब में परमात्मा है, जीना सीखो, ये दुश्मनी करना उससे नाराजगी करना, भाई नहीं बोलना भाई से नहीं बोलना, बाप बेटे से नहीं बोलना, सास बहू से नहीं बोलना, गांव का एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नहीं बोलना, कोई जिंदगी है, अरे ये कोई जिंदगी है, मनुष्य श्री आज हरकल नहीं होगा, जीते तो हम प्यार नहीं करेंगे सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद आएंगे करेंगे, तो रहने का तरीका आप गृहस्थी आदमी आना है तो ऐसे आप लोग सेवा करो, रिश्तेदार आता तो आपको क्या जी खाना खा के जाओ, भोजन बन रहा है अच्छा चाय पी के जाओ, मत घर आए का सम्मान करो, सम्मान करोगे तुम धनवान हो जाओगे, अपमान करोगे तो निर्धन हो जाओगे, कैसे करो पहले घर में करो, तो सुबह चेहरे पर रोजाना के लिए चरण स्पर्श करना शुरू कर देना, कल सुबह उठ के आपकी सास को कहीं कराऊंगी को नहीं गुस्सा कर लिए नाराज हो रही ना, बोले माता जी छोड़ दो, तो कल आपने बात करी थी ना कैप्टन साहब से, उसने बोला गेल की पीछे ही डाल दो, गई बा विसार दे आ गई सुधरे, और यही आप लोग कर लिया करो, पहली स्टेप जो मुक्ति का अवस्था का रिश्ता पहला है ये, घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया कह नानक गुरु मंत्र दिवाए, गुरु नानक देव कहता है जिसके घर में सुख है वो बाहर भी सुख है, और घर में नहीं तो कुछ नहीं,
जैसे घर में सुख है तो सब जगह सुख है, और घर में नहीं तो कहीं भी नहीं। तो हम घर में रहते हैं, घर को स्वर्ग बना लो, स्वर्ग नाम सुख का है, नरक नाम दुख का है। आप सब हंस की बोलते हो, खुशी हो, कोई ईर्ष्या नहीं करते, किसी नाराज़ नहीं होते। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को ये ज्ञान दो, समझाओ, नाराज़ होते हैं बताओ ना भाई तुम बड़े आदमी बढ़ेगा, भैया बड़े आदमी कभी ऐसी बात नहीं करते, बड़ा आदमी बढ़ेगा बेटा तो ये है वो है ये अच्छी बात। तो घर को बनाओ, पहले घर, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अपना पड़ोसी, फिर अपना गाँव, सबके अंदर ईश्वर है। और जो करता है वो भरेगा आपको, आपको उसकी बुराई मत करो किसी की। हमारी आंगड़ी न्यू रहे चुगली कर बोगरा, उसके ऐप ले लेते हैं हम, वो बोले फलाना चुगल है तो आप खुद चुगली करोगे, और कोई कहोगे उसका चरित्र ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं तो आपका चरित्र खराब हो जाएगा। जो देखेंगे जो जिस चीज़ को नकल करेंगे, और ये हम बुराई करने की आदत है, और फिर आफत आएगी घरों में। घर के अंदर जो बुराई करते हैं तो एक दूसरे को बुरा सुनते तो आफत आएगी। अब राजनीतिक पार्टी समझो, एक पार्टी कोई कांग्रेस है, एक भाजपा का है, तो वो एक पार्टी और दूसरे पार्टी बुराई बुराई करता है, कहता कांग्रेस से कुछ नहीं करा, कांग्रेस से कुछ नहीं करा, भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो किया है, कोई तो अच्छा किया वो तो बता दो, ये अच्छे का नाम कौन लेता, तो बोला अच्छा ही कहाँ से आएगी। फिर आफत आ गई बड़ी, भैया महंगाई आ गई, अब करो कौन सी पार्टी हल करेगी इसको, कौन सी पार्टी आगा करो, परमात्मा की तरफ से बड़ी तकलीफ आएगी। आप समझे कि नहीं, एक जो धर्म का आदमी दूसरे धर्म की बुराई करता है तकलीफ आती है। ये जो आते हैं ना, कभी ओड़ा पड़ गया, कभी वो तूफान आ गया, कभी पृथ्वी हाल गई, ऐसे ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि हम बुराई करते हैं, एक दूसरी पार्टी ज़्यादा से वो आफत आ जाती है। तो किसी की बुराई मत करो, उंगली से बुराई करोगा वो बुराई है, क्यों उंगली के बुरा है वो पाएगा। और कोई आपकी बुराई करता है तो आप सोचो कोई बात नहीं, वो करेगा स्वर्ग, मैं नहीं। अपने मन को साफ कर लो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत मत रखो, पहले घर में सीखो, और घर के बाद में फिर आदत बना लो कि किसी मनुष्य को ऐसा मत करना, आपको दुख नहीं आएगा। दुख की बात पर मैंने इतना बोला पूरा कि दुख कोई चीज़ ही नहीं है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुख वो है जो मन के प्रतिकूल घटना घटती है, और वो क्यों घटती है कि जब हम ईर्ष्या द्वेष नफरत करके गुस्से से बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, और वो जो बड़ी सोता मन ही मन वो ऊपर चल जाता है ब्रह्मांड में रेडिएट होकर, और फिर वो आएगा तो आप देगा। ये बात काफ़ी है, इतनी काफ़ी हो गई, काफ़ी समझा दिया हमने, और रेफरेंस दे दिया कि मेरी तरफ से नहीं कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे कहा बताया, चौपाई बताई ना उसकी, कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है उसमें कोई कमी नहीं। जिस घर में प्रेम से बाप कहता है ऐसे कर ली, बेटा कहता है ठीक है बाप जी, और जब बाप कहता बेटा कहता बोला हाँ भाई तेरे जैसे देख लीजिए कर ले, सास कहती ऐसे कर ले हाँ जी, पति कहता ऐसे कर ली, पत्नी कहती हाँ जी कर लो, और पत्नी कहा अपने ऐसे कर ली हाँ कर लो। ये सब मतलब मिलके काम करो, और एक दूसरे, एक ने कही दूसरे ने मानी कह नानक दोनों ज्ञानी, एक ने कही दूसरे ने मानी कह नानक दोनों ज्ञानी। और अब मानते हैं मैं नहीं, हम बाजी खोरी करते हैं कि तू क्या करेगा, ये मैं करूँगा ये करूँगा। तो घरों में सुख चाहते हो तो ये सुख का तरीका है, और छोटी सी बात है, अपने विचारों को सुंदर कर लो। उसका शुद्ध हिंदी में है, शिव संकल्प मस्तु, ए मनुष्य हमेशा सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। ये तरीका है, आपके मन को साफ कर लो, किसी की बुराई मत देखो, बुराई बुराई खत्म हो जाएगी। वो बुराई कर रहा तो ये माफ़ कर दो कि इसके बस की बात नहीं, बेचारा कोई ऐसी संस्कार ऐसी ही, इसके बस की बात परमात्मा माफ़ करे इसको, परमात्मा अच्छी अक्ल दे। कोई गाड़ी निकालता खड़ा होकर पी करके तो ये सोचो, ये नहीं कि मर जा, ये सोचो परमात्मा इसको सदमति दो ताकि ये बुरा काम नहीं करे, लोगों का दिल दुखावा, लोग बुरा तकलीफ आएगी इसको, समझ गया बात। ये चीज़ है, या अभी अगली चीज़ जो मैं बताना चाहता वो ये था कि आपके मन में इतनी ज़्यादा शक्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये ध्यान योग से पहला स्थान है। ध्यान मतलब इकट्ठा करना, तो इकट्ठा ये नहीं कि आप बैठ के कपड़ा घेर के बैठे हो, चलते फिरते आप मन में रखे मेरे को ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ का इधर इधर ध्यान करते जाओ, और बैठ के ध्यान करते हो पाँच मिनट दस मिनट तो इधर कर लिया करो। ये जगह स्थूल चीज़ जो दुनिया की चाहते हो सब मिल जाएगी आपको, इसको सहस्त्राकार कहते हैं, हज़ार पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है, मन है आपका, तो उस मन से आप जो सोचोगे वो आ जाएगा, आपके सोच में शक्ति है। सत्य मन से चाह कहते बैर दिया डिमांड दिया सप्लाई जिथे चाह ठेरा, तो आप चाह करोगे वह चीज़ आपके पास आ जाएगी। मन साफ होना चाहिए, मन का दिल साफ हो तब ठीक हो, आपका ध्यान काम करेगा। अगर मन साफ नहीं है तो बुरा भी सोचोगे और अच्छा भी सोचोगे, तो बुरे की बुराई ज़्यादा आ जाएगी, अच्छे की अच्छाई। अगर मन साफ नहीं है और ध्यान करते हो, पत्नी पर गुस्सा करोगे बीमार हो जाएगी, वह पति पर गुस्सा करोगे बीमार हो जाएगा, साल दिए फिर उसको, समझे ना बात। आपको पता नहीं इस बात का, आपको नहीं किसी को भी, हमको किसी को पता नहीं है कि क्या सोच रहा हूँ, और वो सोचने का फल है। तो आप अपने सोच को ठीक कर लो, और घर में पहले सब घर से शुरू करो,
बच्चों को शिक्षा दो, बेटियां आप सबसे बड़ी गुरु आप हैं, किसका गुरु जान देता है आप दो, वो चाचा जी आ गया ना भाई, ऐसे नहीं बोलना बेटा, वो ये करना दर्शन स्पर्श कर चाचा जी का, वो ताऊ जी आ गया, और चाचा ताऊ की बुराई करते हो, तेरे चाचा ये खा गया हमको ये दे गया ये दे, बुराई करते हैं उनके दिमाग में वो जहर भर जाता है और वो नफरत करते हैं, तो बुरा सोचेंगे, इसे हमेशा करें पॉजिटिव विचार दो, चाचे ताऊ की बुराई करोगे तो वो बुराई बच्चे भी वो करेंगे, दूसरी जगह कहीं सुंदर बात बोलो, इज्जत करो, सम्मान करो धनवान बन जाओगा, अपमान करो निर्धन बन जाओगा, और इस जिंदगी को थोड़ी जिंदगी कर का भरोसा नहीं, ये सोचो कर का भरोसा नहीं तो थोड़ी जिंदगी इसके प्यार से जी लो, प्यार से सेवा कर लो, जो कुछ हो सके सबकी सेवा कर लो, अपने परिवार की सेवा करो, खुश रहो, मीठा बोलो, अरे बात खत्म हुई, समझिए बात, तो ये मेरी समझ में आई है। अगली बात है, जब आपकी दुनिया बन जाती है, आपके पास गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब कुछ है, सेटिस्फाई संतुष्ट हो गए, यानी चाहे थोड़ा दो कोठे लेके बोले भाई हद हो रही है, बहुत मजे हो रहे हैं आनंद हो रही है और खुद सेटिस्फाई, उस वक्त अगर आप चाहते हो इच्छा करो कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए भाई परमात्मा, ऐसे किसी अनुभवी संत को या महात्मा को भेजो जो मुझे ज्ञान दे दे और मेरे से शांति मेरे को उस मंजिल पर पहुँच जाऊँ जहाँ आया वहीं चले जाऊँ, जीते तो जाऊँ, इच्छा करो, ये इच्छा करोगे तो आपके घर में आ जाएगा अपने आप, आपकी जो इच्छा होगी वह खींच के लिए आएगी, ये एक दिन की बात नहीं है, इच्छा सत्य मन से करो और वह ताकत होनी चाहिए, पर वह ताकत हमारे में क्यों कमी है मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई मेरे पोती दोतियाँ के साइन की बेटियाँ बैठी हैं और भाई बैठे हैं पोते दोतियाँ, पर बगैर कहे समझ नहीं आएगी, हमारे में कमी यह है कि पति पत्नी का एक तरह का दोनों का इष्ट है, पति का इष्ट तो पत्नी और पत्नी का पति, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, ब्याह करते हैं देखो घोड़ा नचा के जाते हैं कितने खुश होते हैं, और वो दोनों के अंदर अगर वो ये प्रेम रहे आखिर तो हद हो जाएगी, इधर वो प्रेम नहीं रहता, क्यों नहीं रहता कि हम जो हैं वो जो कामुकता है उसको ज़्यादा भोगते हैं, वो कामुकता संतान पैदा करने के लिए है, वो जो ब्रह्मचारी की शक्ति है वो संतान के लिए है, आप अच्छा विचार करिए संतान पैदा करो, देख लो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट वगैरह हाथी हैं वो कोई भी नहीं करते, अगर पेट में बच्चा है तो वो सुन के अलग चले जाएगा, इंसान इतना गिर गया है कि पेट में बच्चा फिर कामुकता भोगते हो तो वो कामुकता के विचार बच्चों में सीधा आ जाते हैं, सारे दिन नाच गाना डांस वगैरह नाच गाना, तो कई घरों में जाता हूँ तो बच्चे ऐसे करते हैं, मैं कहता हूँ बेटा तेरे टेलीविजन देखने का फल है तो टेलीविजन नाच देखे जो नाचते तेरा बच्चा नाच रहा भी, तो ऐसे संस्कार दो, वो एक किताब लिखी है मैंने ये पुस्तक दूंगा इसमें है कि बेटियाँ अगर वो पढ़ लें वो करके संतान पैदा करेंगी तो अलग ही होगी, छोटी सी किताब है 60 पेज की, वैसे अभी मैंने नहीं लिखी है, मैंने किसी ने बताया कि मनु ने लिखी है, मनु समृति में उसने लिखा पहले, मनु जो है ना हमारा ऋषि मुनि उसने लिखा कि कैसे जिए कैसे रखें कैसे संतान पैदा करें, उसने कहा नोबल चिल्ड्रन पैदा करो अच्छे बच्चे, ऐसे मैंने बाद में पता चला, तो मैं वो ध्यान करता हूँ, सहज ध्यानी हूँ मैं, सहज योगी हूँ मैं, कह नाम पर छुड़िया कड़ा नहीं चेहरे कहे आपको पता क्या चलेगा, मैं चलते फिरते खाते भी बात आपको कर रहा हूँ उस ध्यान में टिका बात कर रहा हूँ, क्यों टिक रहा हूँ इस बात को बार बार क्यों कहा कि वह बात मैं पक्की करना चाहता हूँ, वही तकलीफ है हमको ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ मुक्त होने के लिए एक और चीज़ के लिए नहीं है, ये ईर्षा द्वेष नफरत वगैरह ये है अभाव है चीज़ों का, किसी बात धन की कमी है किसी शरीर में रोग है किसी कुछ है, वो कैसे होया हमारे विचारों से हमारे गलत सोचने से हमारे को तकलीफें हुई हैं ये सब, तो वो अगर पता लग जाए तो अपना अच्छा सोचना शुरू कर दो ठीक हो जाओगे सब आगे के लिए, तो अगली जो चीज़ बताना था वो आगे की चीज़ थी सदा के लिए अमर होना, वो आप हो सकते हो इधर अभी इसी जिंदगी में, कैसे वो रास्ता है ये करना नहीं आपको, क्योंकि ब्रह्मचारी एक शक्ति नहीं है, ब्रह्मचारी ज़्यादा खो दिया है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, गुस्सा आता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, ये किस लिए आते हैं कि वो शक्ति हमने खो दी, वो जो शक्ति थी अगर बच्चों संतान उत्पत्ति लगे रस भोगते तो ठीक है, तो आम हमारे बच्चों को अगर ये ज्ञान हो जाए शुरू से कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पत्नी जो है वो एक इष्ट है घर को बसाने के लिए लक्ष्मी है, बस इसी काम के लिए नहीं एक ही नज़र से देखते हैं सब, वो एक ही नज़र से देखते हैं इससे वह शक्ति खराब होगी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो अगर जरूरत है संतान तो पैदा करो, नहीं पति पत्नी देवताओं की तरह रहो खूब खुश मीठे बात करो अच्छी बात करो तो आप हमेशा मौत तो आएगी बूढ़े नहीं हो गए आप ये नहीं करोगे हाँ चाले को तो हो राम उठा ले ये को नहीं करोगे आप, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो पालन क्या कर जब नहीं संतान की जरूरत है तो पति पति प्यार से रहें अच्छी तरह से, और ये शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे तो यही बात होती जाएगी, अब सब गिरे बच्चों में कोई दम नहीं, ईर्षा द्वेष है नफरत है गुस्सा है, वो क्यों है शक्ति खो दी उनने बचपन में गलत तरीके से देखने से छूने से देखने से भी जो विचार करने से भी यह शक्ति खो जाती है, तो वो शक्ति निकलेगी बेटी और भाइयों कहने मुझे नहीं चाहिए, और वो आपको बताता हूँ अभी आप चाहो तो इस चीज़ को बता सकते हो अपने आदमी को बता सकते हो कि क्यों मरना है अच्छा खाओ अच्छा पियो क्यों रोग का सामना करना है क्यों तकलीफ पाना है
इसका आप गृहस्थ अच्छी तरह दोनों मिल करके काम करो, ये बात समझ में आ जाए। मैंने लिखी है किताबों, हर जगह लिखी है मैंने कि अगर ध्यान करते हो बोले ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो दिमाग बैलेंस बिगड़ जाएगा, पागल हो जाओगे, बावड़ी बातें करोगे, ताकत तक चाहिए ध्यान में। और अगर अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो ध्यान में शक्ति है, तो सोचोगे भाई मिल जाएगा, आएगी समझ में बात। तो ब्रह्मचर्य का पालन और फिर इसे घर के ढंग के बारे में, अब सबको सम्मान करो, आशीर्वाद लो। तो सम्मान का तरीका बता दिया, सुबह उठो कल से सास को चरण स्पर्श करो, अगर बूढ़ी है तकलीफ वगैरह तो रात के टाइम पर 5-4 मिनट 10 मिनट के लिए उसको पैर दबा दो, बस आपका आप आशीर्वाद दे दे कि भले ही घर को कभी मेरी बहू बहुत अच्छी है, भाई खाना बना के पहले मेरे को लाग देती है, ये करती है, मेरा ये करती है, तो सेवा करो और उनसे आशीर्वाद ले लो। आगे मैं सत्संग में आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के लिए सत्संग है, मनुष्य ईश्वर अंश है, पर उसको ये बात नहीं बताई। ऋषि मुनियों ने काम तो बताया लेकिन वह बात खोल के नहीं बताई, जैसे मैं बताता हूँ कि आप ईश्वर अंश हो, ईश्वर कहीं है तो मनुष्य में है, कहीं भी जाओ सब काम मनुष्य ने कर रखा है। ये घर गांव जो किसी ने बसाया, किसी ने जो मकानक हेली दुकानक मकानक टेक्नोलॉजी कारक हवाई जहाज किसी ने मनुष्य ने तो बढ़ाए हैं और मनुष्य उसमें बैठते हैं, और जिसने बढ़ाया वो खुश को नहीं, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है देखो, और अब जो करने वाला खुश नहीं, मुँह सुधाए फिर रहे सब, किस लिए? अज्ञान से। शक्ति आप में है, ईश्वर अंश आप हैं, और आपको तरीका क्या करना है कि सोच को ठीक कर देना बचा लो, और अपना रहने सहना ठीक बना लो, और जहाँ रहते हो 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन के बाद चले जाएं, किसकी दुश्मनी, किसका लेना देना, सब मिलो भाई भाई, आपस आप मिलो, वो उसको खाता है वो उसको खाता, कुत्तों की जिंदगी, कुत्ते से लड़ते हैं ना, वैसे लड़ते हैं हम लोग, लड़ने के लिए एक दूसरे को देखें, सम्मान करें, 4 रोज़ा दिन निकल हवा निकल जाएगी, सबकी निकल जाएगी, लोग चले गए हम भी चले जाएंगे, तो 4 दिन जी अच्छा जियो, प्यार से जियो, स्माइलिंग फेस रहो, सबसे नमस्कार अपना सम्मान करो, और अपना कमाओ और खाओ खूब, और जो कमाओगा उसमें बड़ी बरकत है, कोई कमी नहीं है, आज जो काम करोगा सब में बरकत होगी। काम में मन लगाओ, पहला कर्म योग है, अगर काम में आपका मन नहीं लगता, अगर भोजन बनाती हो और आप सोचते हो उसने ये कहा उसने ये कहा, बुरी बुरी बात सोचते हो, भोजन अच्छा नहीं बनेगा। जब रसोई में जाते हो नहा धो के साफ होके जाओ और अच्छा अच्छा भोजन बनाओगे, अच्छा बनाऊंगी, जो खाने वाले सब कैसे पूछेंगे आज यह सब्जी किसकी बनाई है, आज दाल बहुत बढ़िया बनाई है, अच्छा भोजन बनाओ मन लगा के, तो खाने वालों के दिल को गुस्से से बनाओगी तो सब खाने वालों में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपकी रेडिएशन उसके अंदर पड़ती है गुस्से में। तो उसे भोजन बनाने के लिए ब्राह्मणों के लिए हिसाब है कि ब्राह्मणी नहा धो करके फिर वो रसोई करे, इन पवित्र हो गए तो बाहर से तो पवित्र होती है, अंदर आकर वो ब्राह्मणी हो रही वही काम उनका, कहने को ब्राह्मण तो होता है ब्रह्म आचरण करना। ब्रह्म क्या है? यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रकाश देखते हैं, इधर माथे के बीच से थोड़ा ऊपर ये बाल मिलते हैं, उससे थोड़ा नीचे सफ़ेद रंग का प्रकाश, तो वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि ठीक होती है। और ब्राह्मणों का उद्देश्य भी यही था, क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर ब्रह्म भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य तू जागता सुपना सुस्पति गहरी नींद से आगे जो सूर्य है उसका दर्शन करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। तो वो कौन करेगा? जिसका ब्रह्मचर्य ठीक काल में जो कायम है, जो जरूरत है संतान के लिए पैदा करो, एक दो संतान के ख्याल से करो कि मेरा बच्चा मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, सभी मनुष्यों को सुख दे, मनुष्य मात्र को सुख दे, तो वैसा ही बनेगा वो, जैसे आप सोचते हो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा विचार कर करो। तो एक पुस्तक है इसमें पुस्तकों के अंदर मैं जा रहा हूँ, पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, वो सब मिलेगा आपको इन बुकों में, पढ़े लिखे हो तो आप ले जाना, और बाकी जो पुस्तक ले जाना आगे दे देना, दूसरे को पढ़ा देना। ये पुस्तक वो नहीं साधारण रामायण गीता की बात नहीं है, वो कथा नहीं है, योग की पुस्तक है, सहज योग है, योग आपके अंदर है, यहाँ से लेके इधर से इधर तक का योग है, साधना है। इधर मन इकट्ठा करोगी दुनिया की चीज़ क्या चाहते हो मिल जाएगा, माथा के बीच में जो इकट्ठा करके इच्छा करोगा तो क्या ज्ञान चाहते हो आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये विज्ञान सब यहीं तक का है, जो इच्छा लेके बैठे यहाँ पर जानना चाहते हो तो आपको माथा के बीच में इधर ओम के स्थान पर ध्यान करो, आर्य समाधि कहते हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का सुमन करे शुद्ध आत्मा हो, तो वो ओम के स्थान पर आप साधन करो और जो इच्छा लोगे ज्ञान के लिए वो ज्ञान मिल जाएगा, चाहे किसी लड़ने का हो, टेक्नोलॉजी हो, ये हो, दुनिया के हो, धन का हो, वो आपको ऐसे कर लो, आपको अपना आप अंदर से आवाज़ आए ऐसे कर लो, वैसे कर लोगा। और इससे ऊपर थोड़ा आनंद लेना, मस्ती लेनी है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ इधर ध्यान करो, यहाँ पर मन काम नहीं करेगा, चांद जैसी चांदनी है और यहाँ पर सारंगी का शब्द बाज रहे हैं, और है क्या? ज़बरदस्त मस्ती है, खुशी है, बेफिक्री है, नशा है। गुरु नानक देव ने उसको ऐसे बताया, रातें पी नानका उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। उन्होंने कहा नाम की खुमारी रात है दिन चले, नशा आनंद आनंद मस्ती खुशी। और इससे थोड़ा ऊपर की तरफ चलोगा सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, वो ओम भूर्भुवः स्वः, वो प्रकाश को देखने से आत्मपद है वो,
आपकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ होगी कि जो सिर्फ तवज्जा करोगे वो चीज़ एकदम चार फटाफट काम हो जाएगा, दुनिया का सारा काम होता जाएगा सब कुछ। लेकिन शरीर छोड़ोगा फिर इधर आ जाओगे, अगर सदा के लिए जाना तो फिर इस जगह छोड़नी पड़ेगी। बड़े महात्मा बन जाओगे, एक राजा बन जाओगे, एक और कुछ बन जाओगे, फिर दोबारा भिखारी मतलब 84 चक्कर मरोगा। अगर इसे जाना है फिर इससे आगे जंप है, इससे आगे जंप करोगे यहाँ पर जो साधु कहते हैं ना अलख निरंजन, अलख निरंजन यानी मतलब उसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। छोटे बच्चा का ताड़वा टिप टिप करता है, इस जगह साधन करोगा वो साधन फिर आगे का है अमर होने का। तो फिर उससे इस जगह से इस स्थान को अलख निरंजन का स्थान से लेते हैं, राम नाम की धुन है उसके अंदर और यह जो बोल रही है चीज़ है उसको अनुभव करती जाएगी और खनती जाएगी खनती जाएगी। आज से अब वो जैसा टाइम होता उस टाइम कितना चलते चलते जब इधर गोता लगाएगी चोटी पर पहुँचेगी तो गायब, नहीं तो राम नाम की धुन होगी इतने सुनने वाली चीज़ होगी। इसका मतलब कि आप उसी में मिल गए, बूंद थी तो पानी में मिल गई और किरण थी तो प्रकाश मिल गई और फिर उचित समय फिर वापस आएगी, होश आएंगे काम करेंगे जीते इसका मुक्ति। फिर बार का गुरु आपको सत्संग देगा कि अभी आप इस अवस्था में चले गए हो, सब में परमात्मा देखो। तो फिर आप क्या करेंगे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सह में जलवा तेरा हु, जहाँ देखता हूँ उधर परमात्मा है परमात्मा है और सबके अंदर उसी का जलवा, ऐसी दृष्टि बन जाएगी। और जब पूरा हो जाएगा आपका ये प्रारब्ध कर्म इधर उस जब जाओगे तो उसी धार के अंदर मिलकर चले जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे, वो चीज़ उसके लिए। तो ये योग आपके अंदर है और करने की चीज़ है, करते हैं लोग। तो मैं ये बताना नहीं चाहता कि वो आदमी तो पूछने के लिए आया और नहीं किसी को शौक है। ये डॉक्टर कमला जी कहते कम से कम संस्कार तो दे दो, इतने गुरुओं पास जाते हैं बताते नहीं क्या, क्या कैसे करेंगे हम, ध्यान करके देखें तो सिद्धि कहाँ मिले हमको, कहाँ क्या क्या मिला है बता दो मोटे तौर से। तो मोटे तौर से उन्होंने बता दी और आप में ज़बरदस्ती सिद्धि है आपके अंदर आपके ध्यान में। पर ध्यान कद बनेगा जब ब्रह्मचारी की शक्ति हो, अगर ब्रह्मचारी ज़्यादा खो देंगे तो ध्यान बढ़ेगा नहीं, मन इधर उधर चला जाएगा, तरह तरह का हो जाएगा मन कर और ब्रेन खराब हो जाएगा। आइए समझ बात, तो आप ईश्वर अंश हैं, आप में सब गुण ईश्वरीय हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं। अज्ञान का दुख है, क्या ज्ञान का दुख है, क्या सोचते हो इसका पता नहीं, अपने को नहीं सब मनुष्य मात्र को, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के और एक मजदूर तक, मतलब के कितने बड़े छोटे सब अज्ञान दुखी। तो यह ज्ञान है आपको समझना है और मुक्त होना है। तुमने बता दिया कि रास्ता आपके अंदर कहीं बाहर नहीं जाना और वो गुरु जो जो चाहते हो वो आपके पास ही आ जाएगा। कहते जहाँ चाह वहाँ रहा, वेर दिया डिमांड दिया सप्लाई, जहाँ मांग होती है फटाफट चीज़ आ जाती है। आप इच्छा करो और आपकी इच्छा सत्य हो खींच के आ जाएगा, कोई आपका भाई भतीजा पति कोई आदमी आए ऐसा जाएगा और वो आपको अनुभव बता देगा। आपके अंदर कुछ लेना तो है नहीं, सीधा यहाँ से साधन है मुझे। पर कद जब मन साफ हो जाए, साफ कब होगा, चल सतगुर की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, या ये कहते हैं कि सत्संग से ज्ञान मिलेगा, बिन बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के पता नहीं चलेगा ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विवेक हो जाएगा आपको अंदर ही सवाद आएगी, आपको मन साफ हो जाएगा तो जो सपना होगा वो आपका सत्ता होगा। जो जो सपना आ गया तो होने वाली बात पहले ही आपको हो जाएगी, किधर ये होगा फलाने दिन, समझे ना बात, मन साफ होने की सब कुछ हो जाएगा। तो मन की सफाई है बेटी और भाइयों, और अभी मन की सफाई घरों में करो, ये ईर्ष्या द्वेष नफरत छोड़ो, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, चले जाएंगे सब चले गए, चार दिन की जिंदगी है। और मैं चाहता हूँ ये जो बात बताइए आपने पूरे गाँव वाले सब भाइयों बताओ रिश्तेदारों बताओ, अरे किसकी दुश्मनी किसकी नाराजगी बोड़ी हो, किस बात के लिए अटकी हो तुम, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, प्यार की जिंदगी हो, सब एक दूसरे की मदद करो और किसी को तकलीफ होती है तो सहायता करो और आपस में दुश्मनी छोड़ो। ये काम नहीं है, ये काम क्या है, हमें ज्ञान देने के लिए। अभी डॉक्टरों को मौका आया, इधर एक संत तारा चंद जी आया था हरियाणा में, तो उसने घर घर अलख जगाई तारा चंद जी ने सब जगह, और तारा चंद जी ने फिर कहीं भीलवाड़ा गया था सेठ साहूकारों के लिए क्या भी कुछ ये भी आई, तो वहाँ का एक सेठ जी था वो उधर प्रधान था, वो बोला महाराज जी आप तो हमारे से धन लेने के लिए आते हो, बाणिया से बाणिया बोले हों तो हमारे से धन लेने के लिए, तो बोले और क्या करे से भाई मैं खाऊँ सूँ, मैं तो खाऊँगा लोगों को दूसरों के लिए क्या, बोले वो तो ठीक है, बोले एक और आता है संत तो वो है, बोले वो कौन है, बोले एक लालचंद नाम का है चूरू से आता है, बोले भाई ऐसे कौन सा है जा दिखा मेरे को। तो उसने वो पंडित वो थे मानव दयाल जी थे उसके गुरु होशियार पड़िए उसका मेरा फोटो दिखाया, बोले मैंने इसको तो मैं जाता हूँ मुझे जाया करता हूँ अमरीका देखा, ये तो कोई किमत सह नहीं, ये आदमी तो ठीक दिखा सा भाई, कोई मिला देगा कैसे, टेलीफोन से बात कराओ, बोले ऐसे आदमी कहाँ टेलीफोन होंगे, टेलीफोन तो आप संतों के पास होते हैं, खूब धनवान हो आप, वो धन थोड़े रखते हैं। तो बोले फिर कोई जानता है, एक राम सिंह था, बोले मैं जानता हूँ, बोले 3000 रुपया ले, बोले उसको भाई ब्याई मेरा सत्संग है उसको लियाना दाल सिंह, तो वो चूरू गया मेरे पास, मैं चूरू वहाँ एक कोचिंग सेंटर रखता था
कोई 20 साल की कोचिंग सेंटर रखा है इंग्लिश पढ़ाने का। तो वहाँ गया, मैं गाँव चला गया उस दिन, शनिवार को गाँव चला जाता था। वो गाँव गया मेरे, कहने लगा ताराचंद जी ने आपको बुलाया, ऐसे ऐसे बात है, ठीक माऊँगा। फिर कोई सत्संग था बयानी के अंदर, 2 दिन का होया करता, अभी हो है वो, तो उसके अंदर मेरे को मैं गया, तो ताराचंद जी महाराज, मैं जब गया तो पूरा पूरा लालचंद है, उड़ा जा भाई मेरे पास, पूरा बैठ जा, पूरा बैठ भाई, तो मेरे पास बैठा, तो आदमी देखे ये आदमी कौन है भैया, तो ऑर्डरी आदमी है और महाराज जी बड़ी इज्जत करते हैं, बैठे बातचीत करे, बोला भाई मैं तेरे को ऐसे ऐसे बोला था, तेरे को बुलाया वो ठीक है। फिर बोला मैं तेरे को आश्रम दिखाऊँ, वो दिखाओ। बोले चलो, फटाफट गाड़ियाँ दौड़ी 5-7 लेकर मेरे को दिनों ले गया, बोला ये आश्रम इधर है, ये जगह इधर है, ये जगह इधर है। आखिर फिर वो करने गया, बोला ये जगह सह में रख रहा किया विदेशियों के लिए, इधर आश्रम बनाऊँगा। मैं अच्छा ठीक है, कुछ मुझे स्ट्रैक किया, दिखा के वापस आए, खाना खुना खाया, भोजन करने के बाद बोला तू शाम को सत्संग तू देगा क्या लालचंद, तू देगा? मैं महाराज मैं किसा सत्संग, वो बागड़ू आदमी पता नहीं क्या बोल दूंगा, आपके यहाँ हरियाणा के दार थोड़े तकड़े होते हैं, अच्छे बोली के वैसे, और दूसरा ज्ञानी क्यों नहीं, क्यों आपने ज्ञान दे रखा है, पता नहीं मैं क्या बात बोल दूँ, नाराज़ हुए मेरे को दुरुस्ती थी। बोले ना ना भाई तू देगा, तो सत्संग देश है, मैं सत्संग तो 1962 से देता हूँ, गुरु जी ने कहा था अच्छे आदमी को दिया कर, पर मैं यहाँ ये तो आप बड़े आदमी हो, बोले जो सत्संग देगा, वो जानना चाहते थे क्या करें। शाम को मैंने सत्संग दिया वहाँ, तो मैं कहा भाई संगत बैठी थी, वो देखो भाई बात यह है, ये महाराज जी जो है सत्संग तो ये देते हैं महाराजों का है, सत्संग मेरे में कोई सिद्धि शादी तो है नहीं, बिल्कुल सिद्धि होती मेरे साथ 5-7 आदमी तो आते कि महाराज जी दास है कोई चेला सांठी, मेरे साथ एक भी आदमी को नहीं, सिद्धि नहीं महाराज जी, मैं भी बैठा, ये ताराचंद जी महाराज भेजो, कितने लोग बैठे हो, या तो तुम बेवकूफ़ हो तो काम छोड़ के इधर आए हो, अरे या इसमें सिद्धि है, सिद्धि का महात्मा ये बैठा भाई, अरे ये ज्ञान जो गा रहे हो तुम शब्द शब्द, ये मामूली बात है, इससे तो मैं सारे दिन रहता हूँ, तो मुझे गा रहे हो ना आप, ये तो जो शब्द गा रहे हो उसके अंदर मैं रहता हूँ सारा दिन, चलते फिरते खाते पीते, पर भाई सिद्धि मेरे बिल्कुल नहीं है, आज समझ रहे बात मेरी। अभी आप लोगों को कलयुग में सबको खुला काम दे दिया, कोई जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को वजह सो हरि का होई, अब चाहे कोई जाति का हिसाब नहीं है, जो कुछ करे, कलयुग में संत होए, कबीरदास जी होए, रायदास जी होए, पलटू दादू और गुरु नानक देव कलयुग के संत है, ऊँची बात बताई उनसे। तो बेटियों मैंने जो आपको बात बता दी, रिद्धि सिद्धि के भंडार हो, जो चाहोगे सो मिलेगा, अच्छी चीज़ की इच्छा करो, आप इच्छा रखोगे यहाँ पर आपको आ जाएगी, आँख बंद करने की जरूरत को चलते फिरते भी कर दिया करो, इच्छा करोगे वो चीज़ आ जाएगी आपको। और ध्यान का तरीका तब सीखना जब आपका थोड़ा ब्रह्मचर्य ठीक हो, और जब आपकी वह कमियाँ निकल जाए ना छोड़ दो, किसी का बुरा नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं करना, तब ध्यान करना, पहले नहीं करना, नहीं तो वो दोनों शक्ति बढ़ जाएंगी और दोनों आप सोचोगे बुरा हो जाएगा। यानी बिना सत्संग के ध्यान करोगी तो गुस्सा आएगा तो पति का बुरा सोचने लग जाओगी और पति बीमार हो जाएगा, और पत्नी का बुरा सोचोगे वो बीमार हो जाएगी, वो क्योंकि हमें ज्ञान तो है नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बुरा सोचेंगे नुकसान हो जाएगा। इसे ध्यान वो करे जिसका मन सत्संग सुन के साफ हो गया है, बिल्कुल समझ गया किसी को दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं चाहना, मन साफ है, उसके वो ध्यान करे, वो जो सोचेगा वो भी हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं जा करके मैंने आपको टेक्निक बता दी, क्यों आप पूछने आए थे, मैंने बात तो बतानी थी और, लेकिन मैंने यह एक दुख वाली बात आई कि दुख को नाम की चीज़ नहीं है, आपके विचारों का दुख है, जो ईर्ष्या द्वेष गुस्से से सोचते हो वो गुस्से को आप भी अलग निकाल दो, चाहे तन को 5 गाड़ भी काटे, बोले भाई एक और काटे जी सर हो जाए तेरा, तेरे जीव में शांति आता और काट दे, समझे ना बात, क्या ये बात होती है? हाँ होती है। एक दफा मैं चूरू में बैठा था, तो चूरू में सत्संग करा करता, एक आश्रम मेरे को काम तो था नहीं, तो एक खातियाँ का घर था, तो जो खातन थी उसकी बहू जो दोनों थी शिकर की थी, वो दोनों बैठी कुदरती में चला गया उधर, वो क्या कर रही हो भाई, बोले ऐसे बैठे हैं, तो वो सास रूसी बैठी थी नाराज से, तो सास बोल करी थी बहू को, बोली तेरी चोटी पढ़ाऊंगी सारे तेरे बाल पढ़ाऊंगी, मेरे छोरे ना जान दे, मैं कहूँगी तेरी बिंडी फोसेगा, तेरा ये करेगा वो करेगा, क्यों कितनी गुस्से का बुरी तरह बुरी बुरी बात करी। आखिर वो आई इस हाथ जड़ी, बोले माता जी चाहे मेरे को कुछ ही करा दो, आप मेरा सारे बाल पढ़वा देना, आपको शांति दे बर्बाद। मैं कह रहा संत तो यह बैठी है, कितनी बुरी बुरी बातें कही फिर भी आप बुरा को नहीं माने। तो बेटियों बुरा नहीं मानना, जो कहता है तो उसको माफ़ कर देना, जो माफ़ वो कर सकता है जिसमें परमात्मा ही कर सकता और करता नहीं, तो माफ़ कर दो, गलती करता है तो कोई भी और मत करना, बस माफ़ कर। कहते हैं यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे मूँ, पर यह गीत है फिल्मी, यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशे मूँ, आ दुनिया नशे में है अज्ञान में, तो कोई गलती करता है माफ़ कर दो बस, ठीक है ना, बस माफ़ करे वो आप, काफ़ी बात होगी। अभी बात यह पर्सन कोई आपका हो, पहली बात तो मेरी पुस्तक है जो पढ़ने के बाद पर्सन नहीं रहेगा, अभी जो कोई पर्सन जो मैंने बोला है इन बातों में कोई योग ज्ञान की सब बातें बता दी मैंने आपको जो बतानी थी मोटी मोटी।